क्या आप भी जोस ऐप पर एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने जोस ऐप पर एक न्यू आईडी कैसे बना सकते हैं, एक नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर है और जहाँ पर देखिए हम अपने जोस एप्लीकेशन पर एक नया अकाउंट बनाने वाले हैं, नई आईडी बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जोस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद देखिए इसे ओपन करेंगे, आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके जहां पर इंटरफेस आ जाएगा और देखिए आपके सामने जहां पर जोस का एक आइकन लोगो दिखाई देगा। इसके बाद देखिए आपके सामने आएगा, यहां पर लिखा है सेलेक्ट योर लैंग्वेज, तो आपको जो अपनी लैंग्वेज है उसे चूज कर लेना है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, जो भी आपको आती हो उसे चूज कर लेना। तो यहां पर देखिए फर्स्ट में हिंदी मिलती है और नीचे इंग्लिश है, तो मैं यहां पर इंग्लिश को ही चूज कर लेता हूं। इसके बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा और यहां पर वीडियोस प्ले हो जाएगी। तो यहां पर मेरी कोई भी आईडी बनी हुई नहीं है, यहां पर आईडी आपको बनाना है। तो यहां पर देखिए अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे नीचे आएंगे, यहां देखिए आपको पर्सनल यहां पर लोगो का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर आप क्लिक करेंगे। इस पर यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको तीन तरीके के ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट में आप अपना मोबाइल नंबर से बना सकते हैं, सेकंड में आप अपने फेसबुक को यहां पर लॉगिन करने के साथ साथ फेसबुक से साइन अप करके बना सकते हैं, तो यहां पर आप चाहे तो गूगल के साथ अपनी जो जीमेल आईडी होती है उसके साथ भी यहां पर बना सकते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, मोबाइल नंबर के ही साथ बनाते हैं। तो यहां पर मैं मोबाइल नंबर अपना डाल देता हूं, आप जो बनाना चाहते होंगे अपने मोबाइल नंबर को डालेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहां पर आएगा नीचे सेंड ओटीपी का ऑप्शन, सिंपली सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो उसी नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और आपको यहां पर ओटीपी एडोमेट डिलीट कर लेगा। अगर दूसरे फोन में डाला है आपने सिम तो आपको यहां पर वो ओटीपी डाल देना है। जस्ट देखिए आपकी जो आईडी है यहां पर क्रिएट हो जाएगी। आपकी आईडी बनने के बाद यहां पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से आपके वीडियो फॉर्मेट में आप इस तरीके से होंगे, तो आपको यहां पर फिर से अपने यहां पर देखिए जो लोगो दिख रहा है यहां पर अपने यहां पर प्रोफाइल लोगो पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस प्रोफाइल लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल यहां पर देखिए ओपन हो जाएगी, जस्ट इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएगा और यहां पर एडिट प्रोफाइल में क्लिक करके आप यहां पर अपना चाहे तो फोटो चेंज कर सकते हैं, आप अपना चाहे तो नेम चेंज कर सकते हैं, हैंडल नेम चेंज कर सकते हैं, आप यहां पर अपना बायो में कुछ भी लिख सकते हैं, यहां से अपना जेंडर जैसे कि मेल सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल चेंज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट लिंक, इन सब चीज़ों को यहां पर अपनी प्रोफाइल में एडिट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, इमोजी भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी। सो इस तरीके से कुछ बेसिक तरीके से आप भी अपने यहां पर जोस एप्लीकेशन की बहुत ही आसान तरीके से आईडी बना सकते हैं। सो मैं आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।